बॉलर का मेन जॉब है ये 9 इंच की जो स्टंप्स हैं इनको बॉल से हिट करने का, और बैट्समैन की ड्यूटी है कि वो अपनी स्टंप्स को डिफेंड करे, अपनी स्टंप्स को बचाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बैट्समैन को आइडिया हो कि उसकी बॉडी के रिलेशन में स्टंप्स कहाँ है। हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम करने जा रहे हैं गार्ड। हम गार्ड कैसे लें, गार्ड क्यों लिया जाता है, गार्ड लेने की बैटिंग में क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, जब बैट्समैन आता है वो गार्ड लेता है, गार्ड लेके उस गार्ड को वो मार्क करता है अपने स्पाइक्स के साथ, बैट के साथ, या कैसे भी एक लाइन लगा लेता है। यहाँ उसको ये आइडिया लग जाता है कि उसका स्टंप्स के साथ रिलेशन क्या है, ख़ास करके ऑफ स्टंप्स के साथ उसका रिलेशन क्या है, उस स्टंप उसकी कहाँ है। जिस बैट्समैन को ये मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि उसकी ऑफ स्टंप कहाँ है, उसको पूरा आइडिया हो जाता है कि बॉल उसकी बॉडी से किस तरफ है, ऑफ साइड में, मिडल पे, लेग पे, लेग के बाहर और ऑफ स्टंप के बाहर। यही बहुत ज़रूरी बन जाता है बैटिंग करने के लिए। गार्ड लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि बैट्समैन को ये पूरा आइडिया लग जाए कि उसके पैरों का, उसकी बॉडी का स्टंप्स के साथ क्या रिलेशन है, ख़ास करके ऑफ स्टंप के साथ, और उसके हेड की स्टंप्स के साथ क्या अलाइनमेंट है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हेड की पोजीशन ही ऐसी पोजीशन है, जब ये बॉल के पीछे आएगी हेड की पोजीशन, तो ये बॉलर की बॉल की लाइन, उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसकी मूवमेंट, सब कुछ ये जज करने की पोजीशन में बैट्समैन रहता है। और जब तक बैट्समैन बॉल को प्रॉपरली जज नहीं कर पाएगा, उसकी बैटिंग का पर्पज़ ही डिफ़ीट हो जाता है। क्योंकि जैसे मैं पहले कह के गया हूँ, बॉलर का काम है स्टंप्स को हिट करने का, और बैट्समैन का काम है थ्रू अटैक, थ्रू डिफेंस, जैसे भी हो, स्टंप्स को बचाने का। वो तभी बचा पाएगा अगर वो बॉल को प्रॉपर जज करेगा। तो गार्ड 3 तरीके का होता है। मैं अपने स्टूडेंट के थ्रू आपको डेमो दिलवा रहा हूँ कि कौन कौन से गार्ड हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए, बैट्समैन क्रीज में आ गया है, सबसे पहले गार्ड लेगा। सबसे पहले हम लेग स्टंप गार्ड ले रहे हैं। बैट को वर्टिकल लेग स्टंप की लाइन में रखना है सीधा। यहाँ से अंपायर से जो सामने ऑपोजिट साइड की जो स्टंप्स है बॉलिंग साइड की, वहाँ से अंपायर या आपका कोई साथी इसको ये बताएगा कि ये बैट इस वक्त लेग स्टंप की लाइन में है। तो ये हो गया हमारा लेग स्टंप गार्ड। जैसे ही वहाँ से कहा गया कि यस, ये बैट और स्टंप की लाइन एक हो गई, तो यहाँ पे बैट्समैन लेग स्टंप के गार्ड पे अपने बूट के स्पाइक से या बैट से या किसी और चीज़ से लाइन लगाएगा। ये देखो, ये तरीका है, देख रहे हैं आप कैसे उसने लाइन लगाई। अब हम दूसरा गार्ड करने जा रहे हैं, जो मिडिल लेग है या टू लेग है। ऐसे दो उंगली करके, ये देखिए, दो उंगली करके बैट्समैन अंपायर से मांगता है, तो अंपायर समझ जाता है कि ये मिडिल लेग या टू लेग गार्ड मांग रहा है। ऐसे में हम अपने बैट को वर्टिकल मिडिल और लेग स्टंप की लाइन के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। अब जैसे इनका बैट थोड़ा सा इस तरफ है, थोड़ा सा आगे करो ऑफ साइड में, थोड़ा सा, ये देखिए, अब ये आ गया बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर ऑफ लेग एंड मिडिल स्टंप। यहाँ पे बैट्समैन अपने स्पाइक से या बैट से या कैसे मर्जी इस गार्ड की लाइन लगाएगा। ये देखिए, ऐसे, ये ऐसे, ये हो गया हमारा मिडिल लेग गार्ड। ये हो गए दो। अब तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है मिडिल स्टंप गार्ड। अब बैट्समैन क्या करेगा, मिडिल स्टंप की लाइन पे बैट को वर्टिकल परपेंडिकुलर पोजीशन में बिल्कुल सीधा रखेगा और फिर मांगेगा मिडिल स्टंप गार्ड। अब अंपायर ने गार्ड दे दिया, यहाँ पे फिर अगेन वैसे ही बैट्समैन मार्किंग करेगा बैट के साथ या स्पाइक के साथ। ये हो गया मार्किंग, तीनों गार्ड। इसमें अगर हम एज बैट्समैन टैक्टिक्स देखें गार्ड लेने की पोजीशन में, तो टैक्टिक्स के हिसाब से भी गार्ड लिया जाता है। कैसे, मान लीजिए कोई बॉलर आपको बॉल अंदर डाल रहा है, या कोई बॉलर आपकी बॉडी लाइन पे लेग स्टंप पे अटैक किया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लेंगे लेग स्टंप गार्ड। क्योंकि जो बॉलर बॉल को अंदर अंदर लाएगा, बॉडी लाइन पे डालेगा, लेग स्टंप पे डालेगा, ये श्योर है कि वो लेग साइड पैक करेगा, ऑफ साइड में गैप होंगे। अगर हम लेग स्टंप का गार्ड लेंगे,
तो हमारे पास पोजीशन होगी कि हम जो ऑफसाइड के गैप हैं वहां पे बॉल डाल सकें। दूसरी तरफ जो बॉलर ऑफ स्टंप पे अटैक कर रहा है या वहां से हल्का हल्का बॉल बाहर निकाल रहा है मिडल ऑफ से, तो यहां पे हम मिडिल स्टंप का गार्ड ले लेंगे, क्योंकि यहां पे उसकी जो पैकिंग होगी वो होगी ऑफ साइड की। ऑन साइड में गैप होंगे, यहां हम इस पोजिशन में आ जाते हैं कि हम बॉल को ऑन साइड में प्लेस कर सकते हैं। बट यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप मिडिल लेग का गार्ड लेंगे तो ये दोनों पोजीशन को कंपनसेट कर जाता है, उस बॉलर को भी जो बॉलर बॉडी लाइन में डाल रहा है और उस बॉलर को भी जो बॉलर ऑफ स्टंप पे डाल रहा है। इसलिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है वो है मिडिल लेग का गार्ड सबसे बढ़िया है। टैक्टिक्स के हिसाब से आजकल ये खास तौर पे देखा जा रहा है कि कई बैट्समैन ऑफ स्टंप का गार्ड ले रहे हैं, ये मेरी तो थंब से बिल्कुल परे है। हम देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे क्रिकेट में भी, कि जो बैट्समैन ऑफ स्टंप का गार्ड ले रहे हैं उनके LBW आउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनका हेड अक्सर ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर चला जाएगा, वो ऑफ बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ उनकी इंटेंशन तो होती है कि हमारे बैट का एज आउटर एज लेके बॉल कीपर या स्लिप या गली में ना जाए, इसको तो बचाने की सोच लेते हैं वो, पर ये नहीं सोचते कि अगर हम ऑफ स्टंप का गार्ड ले रहे हैं, हमारा हेड ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे बॉल खेलने के लिए हम बॉल की लाइन को अक्रॉस जाएंगे, यूजुअली हम काटेंगे। तो यहाँ पे बॉल हिट हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो हम प्लम हैं, आप आउट हैं यहाँ पे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऑफ स्टंप के गार्ड से बचें, कि जैसे मैं पहले कह के गया हूँ, हेड की पोजीशन, हेड की अलाइनमेंट स्टंप्स के साथ बहुत सही होनी चाहिए। आपको ये श्योर करना है कि आपका हेड ऑफ स्टंप की लाइन को पार ना करे। खास करके देखिए, हमारी आंखों का जो लेवल अच्छा होगा, हेड बिल्कुल बॉल की लाइन के पीछे होगा, तो आप बॉल को अच्छा जज कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि दोनों में से एक आंख थोड़ी सी वीक होती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो राइट आई है, ये राइट आई ऑफ स्टंप की लाइन को पार ना करे। अगर ये ऑफ स्टंप की लाइन को पार करेगी तो आपके ऑफ बैलेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और आप यहाँ पे LBW के सबसे बड़े कंटेंडर बन जाएंगे, आपका LBW आउट होना निश्चित हो जाता है। आप ये कैसे जान सकते हैं कि जो गार्ड आप ले रहे हैं आपकी बॉडी के हिसाब से करेक्ट है? क्योंकि स्टांस लेने में नेक की पोजीशन बहुत क्रूशियल होती है। अगर आपकी चिन फ्रंट शोल्डर के पास है तो आपकी बॉडी साइडवर्ड पोजीशन में ठीक रहती है और हेड आपका बचा रहता है। बट कई कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनकी नेक फ्लेक्सिबल नहीं होती, अगर नेक उनकी स्टिफ है तो उनकी चिन शोल्डर के पास नहीं आएगी। तो आपका अपने अपने हिसाब से करेक्ट गार्ड पोजीशन क्या है, कैसे आप जो गार्ड लें वो करेक्ट है, वो आपको एक ड्रिल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मेरा एक स्टूडेंट आएगा, वो स्टंप्स के सामने आएगा और मैं उसको इधर उधर शफल कराऊंगा, फिर वो देखेगा, हम देखेंगे कि उसका जो हेड है वो स्टंप की लाइन के बाहर नहीं जा रहा, जहाँ पर ये पोजीशन मिल जाएगी उसको, ये उसका एक किस्म का करेक्ट गार्ड होगा। अब ध्यान से देखिए, बैट्समैन और एक बैट्समैन का टीममेट, इसमें दो चाहिए। बैट्समैन बैटिंग साइड में है, स्टांस लेगा, जो इसका टीममेट है, जो साथी है, वो बॉलिंग साइड की स्टंप्स में जहाँ पे अंपायर खड़ा होता है वहाँ खड़ा होगा। अब बैट्समैन स्टांस ले रहा है, हम इसके हेड की पोजीशन देखेंगे, जहाँ इसके हेड की पोजीशन सही बन जाएगी वो इसका नेचुरल गार्ड है। अब देखिए, अब ये देखिए, यहाँ पे बैट्समैन हम देख रहे हैं कि लेग स्टंप के बहुत बाहर खड़ा है और बैट्समैन का जो हेड है वो भी लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर को ही रह रहा है, इसलिए ये वाली पोजीशन इसकी ठीक नहीं है। अब हम बैट्समैन को थोड़ा सा और शफल कर रहे हैं। अब देखिए, अब हमने देखा कि बैट्समैन खड़ा कहाँ है, एक किस्म का ऑफ स्टंप के ऊपर, और इसके हेड की पोजीशन देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है, ये भी पोजीशन ठीक नहीं है, तो ये भी गार्ड इसका करेक्ट गार्ड नहीं हो सकता। हम एक बार थोड़ा सा और पीछे को शफल करते हैं। अब यहाँ भी मिडल का आ गया इसका, तो यहाँ हम ले सकते हैं कि ये गार्ड इसका ठीक है, बट यहाँ पे रिस्क फैक्टर आ जाएगा, तो हम थोड़ा सा और देखेंगे कि पहुँचे ये लेग स्टंप पे या मिडिल लेग की गार्ड पोजीशन पे पहुँचे। हालांकि मिडिल स्टंप का गार्ड कोई गलत नहीं है, बट हम इसका और अच्छा करेक्ट गार्ड देखना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा सा और शफल कराएंगे इसको। अब देखिए, अब ये आ गया मिडिल लेग की पोजीशन में, दोनों टो हैं और हेड देखिए, हेड मिडिल ऑफ के बिल्कुल ऊपर है, आई लेवल बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे
बैट्समैन का जो हेड है ऑन कमिंग बॉल की लेन के बिल्कुल पीछे है, आंखों के लेवल है, और यहां पे बैट्समैन इस पोजीशन में है कि बॉल की ट्रेजेक्ट्री, बॉल की लाइन, बॉल की स्पीड, बॉल की मूवमेंट सारा कुछ चेक कर सके। तो यहां पे हम कहेंगे बैट्समैन को कि अपना मिडिल लेग स्टंप गार्ड पूरा करेक्ट करो, परफेक्ट करो। यहां पे मिडिल लेग गार्ड लेगा, ये देखिए अब ये हो गया मिडिल लेग गार्ड। अब इसको ये मार कर लेगा, ये इसका बन गया मिडिल लेग गार्ड। ऐसे ही आप अपने अपने साथी के साथ, अपने कोच के साथ, किसी के साथ भी जब भी करें, आप अपने गार्ड को ऐसे पक्का कर सकते हैं। इस ड्रिल को आप ध्यान से देख के इसको याद कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि गार्ड कैसे लिया जाए, तीनों गार्ड, लेग, मिडिल लेग और मिडिल स्टंप और हेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। इस वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि गार्ड लेने के बाद आपको मार्किंग करके वहीं पे अपना स्टांस लेना होता है, और स्टांस में आपके हेड की पोजीशन बहुत क्रूशल है। हेड ही आपको वहां लेके जाता है, उस पोजीशन में लेके जाता है जहां पे आप बॉल को प्रॉपरली जज कर लें। बिना जज किए आप अपने किसी स्ट्रोक को खेल भी नहीं पाएंगे। बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जहां पे आप बॉल जज नहीं करते, प्री मेडिटेटेड शॉट खेलते हैं, वो टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम बार होता है ऐसा। ज़्यादातर आपको बॉल को जज करके उसको उस पर रिएक्ट करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि गार्ड के ऊपर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो व्यूअर्स मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।